हाय, माय नेम इज़ करणवीर मल्होत्रा एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कबीर खान सर ने 1999 में, उसका भी नाम था फॉरगॉटन नामी। तो स्टोरी जो है वो दो ट्रैक्स पे चलती है, एक 1940 का ट्रैक है और एक 1990 का ट्रैक है। तो 1990s के ट्रैक में जो है मेरा कैरेक्टर है अमर। सर, तो हमारे साथ यहाँ करणवीर मल्होत्रा है, जिन्हें आपने सिलेक्शन डे में उनकी वेब सीरीज जो आई थी उसमें काफ़ी बेहतरीन काम करते देखा था, और अब उनकी फॉरगॉटन आर्मी आ रही है, तो बिल्कुल उनसे जानना बनता है कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस सबसे पहले। थैंक यू सो मच अनुराधा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने दोनों शोज़ के लिए ऑडिशन दिया था और मैं उसके बाद सिलेक्ट हुआ था दोनों शोज़ के लिए। सिलेक्शन डे लास्ट ईयर आई थी फॉरगॉटन आर्मी, बस अभी हाल ही में 24 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था और बहुत ही एक्साइटिंग थी दोनों स्टोरीज, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट द ऑडियंस हैज अप्रिशिएटेड बोथ द शोज। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस सीरीज की सबसे खास बात जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच किया ये सीरीज करने के लिए, वो क्या थी? आई थिंक जो स्टोरी थी वो बहुत मुझे इंगेजिंग लगी थी, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कबीर खान सर ने 1999 में, उसका भी नाम था फॉरगॉटन नामी। तो वो बस इन सोल्जर्स के ऊपर था जो आज़ाद हिंद फौज का पार्ट थे, और उनकी स्टोरी जो है वो हमें इतनी पढ़ाई नहीं गई है हमारी स्कूल की किताबों में, और लोग इतनी बात भी नहीं करते उस आर्मी की। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और क्योंकि मैं भी एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, तो मुझे बहुत ही एक वो इमोशनल कनेक्ट हुआ था वो पढ़ के। तो जैसे ही मैंने पढ़ा था तो मैं बहुत खुश था कि मैं इसका पार्ट हूँगा, और मेरा जो रोल है वो कबीर सर का ही रोल है, क्योंकि जब उन्होंने वो बनाई थी सीरीज़ तो वो दो सोल्जर्स को लेकर गए थे सिंगापुर और थाईलैंड, सॉरी, और बर्मा। बर्मा में उस टाइम पे जो है, क्योंकि जो फौज थी वो बर्मा से होते हुए दिल्ली आने का प्लान था उनका, तो इतना, और लोकेशंस भी जो थी वो मोस्टली रियल थी इसकी। तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली। अच्छा, किस तरह का कैरेक्टर है आपका इसमें, और कॉन्फ्लिक्ट है उस कैरेक्टर में? तो मेरा जो कैरेक्टर है, मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम अमर है। तो स्टोरी जो है वो दो ट्रैक्स पे चलती है, एक 1940 का ट्रैक है और एक 1990 का ट्रैक है। तो 1990s के ट्रैक में जो है मेरा कैरेक्टर है अमर, और वो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, ग्रैंड अंकल से मिलता है, जो बहुत साल बाद सिंगापुर विज़िट करते हैं। तो उनके थ्रू फिर वो जानता है उनकी कहानी जब वो यंग थे और वो आज़ाद हिंद फौज का पार्ट थे। तो एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट अमर का ये होता है कि उसको बर्मा जाके एक फ़ोटो कोलाज बनाना है, क्योंकि उसको जो बर्मा में प्रोटेस्ट चल रही हैं उस टाइम पे 1999 में, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको उसकी फ़ोटो खींचनी होती है जाके। तो मेरा कैरेक्टर कबीर सर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उन्होंने भी, उनकी भी जर्नी ऐसी गई थी, और उन्होंने फिर अपना जो अमर का कैरेक्टर है वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही लिखा। अच्छा, उनके डायरेक्शन की बात करूँ तो कितना प्रिविलेज फील करते हैं उनके साथ आपने काम किया? कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आप में डिस्कवर किया और आपको कॉम्प्लीमेंट किया? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ काम करना। मेरे को उनकी सारी पिक्चर फिल्म्स जो हैं वो बहुत पसंद आई हैं, जब से वो काबुल एक्सप्रेस उन्होंने बनाई थी, फिर बजरंगी भाईजान मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मतलब मेरे लिए तो एक्चुअली जब मैंने बजरंगी भाईजान देखी थी, मुझे था कि यार मेरे को एक दिन जो है इनके साथ काम करना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हुआ कि मेरा जो मतलब वन ऑफ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट्स ही जो है मैंने उनके साथ काम किया। तो वो मतलब बहुत, आई मीन आई होप उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन उन्होंने सेट पे मुझे काफ़ी, वो खुश थे मेरे काम से। और कबीर सर का ऐसा होता है कि वो 2-3 टेक से ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो 2-3 टेक में करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक अगर वो मैं उनको उन्होंने अगर मैंने उन ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो उन्होंने 2-3 टेक तक ही रखा, तो उसका मतलब कुछ ठीक ही किया होगा मैंने। तो और बाकी काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड हमने किया था, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने वो बांटते थे आज़ाद हिंद फौज के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एज अ डायरेक्टर जो उन्होंने फेस किए हैं। तो बहुत ही एक होलसम एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैं अगर बिग स्क्रीन की बात करूँ तो बॉलीवुड में काम करने में कितना इंटरेस्ट? बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली। मैंने अभी एक फ़ीचर फिल्म शूट कर ली है, उसके बारे में अभी आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो होपफुली आप जल्दी उसके बारे में सुनेंगे।
और स्मॉल स्क्रीन को हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल माना जाता है फैंस के नज़रिए से, कि वहाँ पर ज़्यादा आपको कनेक्ट मिलता है और फैन फॉलोइंग मिलती है, तो कुछ कहना चाहेंगे स्मॉल स्क्रीन पर भी काम करना चाहते हैं? स्मॉल स्क्रीन तो कर तो रहा हूँ अभी, ये वेब शोज़ वगैरह वो इतनी स्मॉल फ़ोन पे देख सकते हैं आप उससे। टीवी अभी मैं एक्चुअली टीवी में काम करना अभी मैं देख नहीं रहा, क्योंकि मुझे वेब शोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मतलब टीवी बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी मतलब बहुत व्यूअर्स होते हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट अभी है वो वेब शोज़ और फिल्म में ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, पर मेरा बस इंक्लिनेशन उस साइड में ज़्यादा है। अच्छा, एंड हाउ मच यू आर ओपन फॉर रियलिटी शोज, जहाँ पर थोड़ी खुद की पर्सनैलिटी दिख कर आती है, जहाँ आप कोई कैरेक्टर नहीं जीते? पता नहीं, मुझे लगता है बहुत बोरिंग हो तो लोगों में कभी पसंद नहीं आऊँगा रियलिटी टीवी शोज़ में, तो आई थिंक जितना ही इंटरव्यूज़ में रियलिटी मेरी पता लगती है उतनी काफ़ी है, बाकी मैं कैरेक्टर ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो आप कोई शो में जाकर डिस्कवर करना चाहते हो, या सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बहुत सारे स्टंट बेस्ड शो होते हैं, बिग बॉस जैसे भी शोज होते हैं, तो कुछ मतलब ऐसे कोई शो? अभी तो मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। सिंगिंग डांसिंग जो है मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, मैं कम्पीट नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से हार जाऊँगा, इसलिए मैं उन शोज़ के बारे में भी सोच नहीं रहा अभी, जो मेरे को थोड़ा बहुत काम आता है मैं बस उस पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, वेब सीरीज़ की अगर बात करूँ तो कितना रिलेटेबल आप समझते हैं, क्योंकि वो इजी टू कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, और आजकल की जो ऑडियंस हो गई, यंग ऑडियंस हो गई, तो उन्हें यूट्यूब पर ज़्यादा अप्रोच लगता है या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, द थिंग इज़ बहुत एक्सेसिबल होता है, क्योंकि हर एक के फ़ोन में ऐप्स होती हैं आजकल, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, यूट्यूब हो, तो आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं गाड़ी में हैं या घर पे हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से जो है वो यंग लोगों को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन आई थिंक और भी बहुत वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप्स में भी वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को, बिकॉज यूट्यूब पे भी स्पेशली, मैंने यूट्यूब की अभी कोई सीरीज़ करी नहीं है, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का सबसे खास बात यह है कि वो वर्ल्ड वाइड उनकी ऑडियंस होती है, तो मतलब जिन लोगों ने शोज़ देखे हैं, मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे पहले शो के अंदर मुझे अर्जेंटीना से लोगों के मैसेज आ रहे होंगे या स्पेन से आ रहे होंगे, और क्योंकि 180-190 कंट्रीज़ में रिलीज़ होते हैं ये शोज़, तो इनकी जो अप्रोच है और इनका जो ऑडियंस टारगेट है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ओवरवेलमिंग होता है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि पूरी दुनिया में आपका काम लोग देख रहे हैं। लास्टली, एनी मैसेज फॉर योर फैंस जो आपको पसंद किया था, जिन्होंने आपको सिलेक्शन डे में बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इस वेब सीरीज़ में भी पसंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ ही रहे? हाँ जी, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर ऑल द लव, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कीप वॉचिंग एंड कीप एन्जॉइंग ऑल द शोज दैट आई डू। थैंक यू।